दोस्तों कहा जाता है कि ना तो मृत्यु प्रलय और समस्या स्थिति देखकर आती है और ना ही उसका आने का कोई समय होता है। हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या ये खत्म होगी कि नहीं, लेकिन भागवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो पैदा होता है उसका अंत एक न एक दिन अवश्य होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पृथ्वी का विनाश का कारण कौन बन सकता है, होगा या नहीं। ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष हुआ था और अब तक ज्ञात जानकारी के आधार पर पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब वर्ष हो चुके हैं और अब तक से लेकर आज तक पृथ्वी के कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंत की संभावना का इनकार नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को डर है कि आने वाला समय में एक्स नाम का कोई ग्रह पृथ्वी से काफी करीब से गुजरेगा और अगर इस दौरान यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन कई वैज्ञानिक है जो इस बात से साफ इनकार करते हैं कि उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह है और उनका पिंड है जो कई बार पृथ्वी के पास से गुजरे हैं और उससे अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ। हालांकि 1994 में एक घटना हुई थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 बार उनका पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और वह तब नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसके कारण उस ग्रह की आग और विनाश आज तक शांत नहीं हुआ। इसके वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ है वह अगर भविष्य में कभी भी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट बन सकता है पृथ्वी का कारण, देखिए कैसे है। दोस्तों ज्वालामुखी फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी फटना तो है तो गर्म और खतरनाक, जिसे राख लावा और जब विशाल चट्टाने उगल सकते हैं जो विनाशकारी नुकसान कारक बन सकते हैं। तो यह भीषण तबाही एक सामान्य ज्वालामुखी के कारण ही हुई है। काल्पनिक कीजिए कि अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के बजाय एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी और विनाश की स्थिति क्या होगी। सुपर ज्वालामुखी के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वह ब्रिटेन के आकार से करीब 8 गुना बड़ा होगा और इस ज्वालामुखी के फटने से आकाश में घने काले धुएं के बादल बनेंगे जो वर्षों तक सूर्य की किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकेगा, जिसके पृथ्वी से जीवन लुप्त होने लगेगा और पृथ्वी का विनाश शुरू हो जाएगा। होने का एक कारण तारे से भी बताया जा सकता है, क्योंकि सितारे के कारण पृथ्वी का विनाश हो सकता है, क्योंकि रातों में तारे को टिमटिमाते देखना किससे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टिमटिमाते तारे पृथ्वी का कारण भी बन सकता है। और जी हाँ, जब दो लुप्त होने लगेगा तो एक साथ आपस में मिलने लगेंगे तो उसमें से एक गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकीली होती है कि पलक झपकते ही हमारे धरती को नष्ट कर सकता है। वैसे तो यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में हमेशा घटित होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर है कि इसका हमारे पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इन दो क्षयकारी तारों के मिलन से इतनी अधिक गामा किरणें निकलती है कि इसकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 10 गुना अरब अधिक हो सकती है। अगर यह प्रक्रिया हमारे पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित होती है तो इस शक्तिशाली किरणों को हमारे पृथ्वी भर में नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी और क्या आपको क्या लगती है कि पृथ्वी समाप्त हो सकती है या नहीं। और यदि आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आप अल्लाह के भक्त हैं तो हमारे वीडियो को कमेंट करें। देखते हैं किनके ज्यादा भक्त मिलते हैं।